इस वीडियो में बलौदाबाजार जिले की तहसील, वहाँ की प्रमुख स्थानों और नेशनल हाईवे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बलौदाबाजार जिले में 7 तहसील हैं। पहला सिमगा तहसील, दूसरा भटगांव तहसील, पलारी तहसील, बलौदाबाजार तहसील, कसडोल तहसील, बिलईगढ़ और लवन। ये हैं बलौदाबाजार के 7 तहसील। बलौदाबाजार में खनिज में पाया जाता है सोना, डोलोमाइट और चूना पत्थर। सोना पाया जाता है राजा देवरी में और सोना खान में फेमस खदान है। सोना पाया जाता है राजा देवरी और सोना खान में। डोलोमाइट पाया जाता है भाटापारा और पाटपारा में। चूना पत्थर पाया जाता है गैतरा, जीपन, करही, चंडी, अमलीडीह, रवान, रावण, हिरमी, सोनाडीह, कुकुरडीह, भरवाडीह, चुचुरुंगपुर और मोहरा में। इन स्थानों में पाया जाता है चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाने वाला जिला बलौदाबाजार जिला ही है। इसे रवान, क्योंकि बलौदाबाजार जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां भी हैं। चलिए देखते हैं उन्हें। रवान, रवान में है अंबुजा सीमेंट। रावण, रावण में है ग्रासिम सीमेंट की फैक्ट्री। हिरमी, हिरमी में है अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट की फैक्ट्री। सोनाडीह में है लाफार्ज सीमेंट की फैक्ट्री। सोमनाथ में खारून व शिवनाथ नदी का संगम स्थल है सोमनाथ। यहाँ पर शिव मंदिर है, सोमनाथ का शिव मंदिर। महाशिवरात्रि का मेला लगता है सोमनाथ में। कबीर पंथियों का प्रमुख स्थान है आपका दामाखेड़ा में। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रमुख तीर्थ स्थान है दामाखेड़ा। दामाखेड़ा में कबीर पंथ के 12वें गुरु हुए थे। पहला गुरु का नाम था मुक्तिमणि साहब, बाहर के थे। 12वें गुरु उग्र नाम साहब, ये कबीर पंथ के 12वें गुरु थे। इनके द्वारा, उग्र नाम साहब के द्वारा, दामाखेड़ा में कबीर गद्दी, कबीर चबूतरा स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के समय यहाँ मेला लगता है। पलारी में है सिद्धेश्वर मंदिर, बाल मुकुंद तालाब, गिरौदपुर। गिरौदपुरी गुरु घासीदास का जन्म स्थली है। गिरौदपुरी सतनामी पंथ का एकमात्र तीर्थ स्थल गिरौदपुरी है। 18 दिसंबर 1956 को बाबा घासीदास जी का जन्म हुआ था। गिरौदपुरी में गुरु की गद्दी स्थापित की गई है। औरा धौरा वृक्ष के नीचे तपस्या की थी बाबा घासीदास जी ने। गिरौदपुरी को बाबा का तपोभूमि कहा जाता है। गिरौदपुरी में छाता पहाड़ है। यहाँ घासीदास बाबा का समाधि स्थान है। घासीदास बाबा के पिता का नाम मांगूदास था और माता का नाम अमरौतिन बाई था। उसकी पत्नी का नाम सुफरा व पुत्र का नाम अमरदास था। गिरौदपुरी में 77 मीटर ऊंची जैत खाम बनाया गया है। यह दोस्तों 77 मीटर ऊंची जैत खाम। फागुन शुक्ल पक्ष में पंचमी से सप्तमी तक 3 दिन का मेला लगता है गिरौदपुरी में। सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल है सोना खान। तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है। लवकुश का जन्म स्थली है तुरतुरिया। लटुआ, सोन बरसा नेचर सफारी है लटुआ में। चलिए दोस्तों इन स्थानों को मैप में ट्रेस करते हैं। ये है बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला में नेशनल हाईवे नंबर NH30 बेमेतरा से होते हुए सिमगा तक आती है। सिमगा से नेशनल हाईवे नंबर 130 ये मुंगेली होते हुए बिलासपुर जाती है और सिमगा से नेशनल हाईवे नंबर 30 ये रायपुर को आती है। रायपुर से नेशनल हाईवे नंबर 130B मठ मठ से होते हुए पलारी, पलारी से होते हुए बलौदा बाजार
और बड़ौदा बाजार से होते हुए लवन, लवन से होते हुए कसडोल, कसडोल से बिलईगढ़, बिलईगढ़ से होते हुए भटगांव, और भटगांव से सरसीवा, और सरसीवा से जाती है सारंगढ़ जो कि रायगढ़ जिला में है। यह है नेशनल हाईवे नंबर 130B। ये है दामाखेड़ा, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। ये है पाटपारा लटुआ। ये है गिरौदपुरी, बाबा घासीदास का जन्म स्थली। ये है सोना खान। ये है तुरतुरिया। यहाँ है राजदेवरी। ये है आपका रवान, रावण, हिरमी और सोनाडीह। ये है सोमनाथ। यहाँ पास खारून नदी और शिवनाथ नदी का संगम स्थान सोमनाथ, शिव का मंदिर है। और यहाँ से होते हुए ये पहुंच जाता है जांजगीर चांपा जिला में। यह दोस्तों बलौदा बाजार का मैप। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।